गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डेबिट कार्ड के बारे में। तो मैं पहले जो डेबिट कार्ड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है वीज़ा डेबिट कार्ड। अभी ये वीज़ा डेबिट कार्ड 3 वेरिएंट में आता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वीज़ा क्लासिक, वीज़ा गोल्ड, वीज़ा सिग्नेचर। वीज़ा डेबिट कार्ड 3 वेरिएंट में आता है, वीज़ा क्लासिक, वीज़ा गोल्ड और वीज़ा सिग्नेचर, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे वीज़ा क्लासिक में आप लोग एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट जो है पर डे आपका है 25,000, वीज़ा गोल्ड में है 50,000, वीज़ा सिग्नेचर में भी 50,000 है। तो एक सवाल आ सकता है कि कैश विड्रॉल लिमिट क्या है वीज़ा क्लासिक का या फिर वीज़ा गोल्ड का या फिर वीज़ा सिग्नेचर का। तो आप लोग देख सकते हैं 25,000, 50,000, 50,000 है, ठीक है। अभी देखिए, अभी पॉस प्लस ई कॉम मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में या फिर पॉस मशीन में लिमिट कितना है, तो वीज़ा क्लासिक का यहाँ पे लिमिट है 60,000 और वीज़ा गोल्ड और वीज़ा सिग्नेचर का है 1,25,000, 1,25,000 करके। इसका मतलब देखिए, वीज़ा गोल्ड और वीज़ा सिग्नेचर का सेम है यहाँ पे 50,000 1,25,000, 50,000 1,25,000 और वीज़ा क्लासिक का यहाँ पे है 25,000 एटीएम विड्रॉल का लिमिट और पॉस ई कॉम का 60,000। अभी देखिए, कॉन्टैक्टलेस जो ट्रांजेक्शन होता है वो तीनों में ही सेम है, 5,000 करके है। देखिए, वीज़ा क्लासिक, वीज़ा गोल्ड, वीज़ा सिग्नेचर तीनों में ही 5,000 करके है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पॉज में क्या लिमिट है। पॉज में लिमिट है 2,000 रुपया मिनिमम, सॉरी लिखा हुआ है ₹2,000 पर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम ₹10,000 पर मंथ। मतलब तीनों ये डेबिट कार्ड में मैक्सिमम 2,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं और मंथली मैक्सिमम है 10,000, ठीक है। अभी देखिए, वीज़ा क्लासिक का इशुएशन चार्ज जो है ये है नील है, और वीज़ा गोल्ड का जो इशुएशन चार्ज है वो है 250 प्लस टैक्स और वीज़ा सिग्नेचर का है 500 प्लस टैक्स। अभी देखिए, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्या है। मेंटेनेंस चार्ज वीज़ा क्लासिक में आपका है 150 प्लस टैक्स, वीज़ा गोल्ड का है 150 प्लस टैक्स और वीज़ा सिग्नेचर का है 200 प्लस टैक्स, ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। और ये जो पहले वाला नील है इसमें ये है इशुएशन चार्ज, मतलब जब आप कार्ड इशू किया जाता है आपके अकाउंट में तब का चार्ज। वीज़ा क्लासिक का नील, इसका 250, वीज़ा गोल्ड का, वीज़ा सिग्नेचर का 500, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया वीज़ा डेबिट कार्ड के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी यही आने वाला है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अभी मैं आप लोगों को जो दूसरा डेबिट कार्ड अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड। ये देखिए लिखा हुआ है रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड, ठीक है। अभी देखिए इसके एलिजिबिलिटी क्या है। अल्ट्रा HNI कस्टमर हैविंग QAB मतलब क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मोर देन 50,000, मतलब क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। टाइप ऑफ कार्ड क्या होगा, पर्सनलाइज कार्ड विदाउट फोटो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी देख लेते हैं इसका पर डे लिमिट्स कितना है। इसका पर डे कैश विड्रॉल लिमिट है 50,000 और पॉस या ई कॉम में पर डे का लिमिट है 1,25,000, ठीक है दोस्तों। अभी इशुएशन चार्ज देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 500 प्लस टैक्स है और एनुअल चार्जेस भी 500 प्लस टैक्स है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको याद रखना है ये इसका कैश विड्रॉल लिमिट 50,000, पॉस लिमिट 1,25,000, इशुएशन चार्ज और एनुअल चार्ज दोनों ही 500 प्लस टैक्स, 500 प्लस टैक्स। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्या है। अल्ट्रा HNI कस्टमर हैविंग QAB मतलब क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ₹10,00,000 फॉर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी फॉर बींग एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस कवर, कस्टमर शुड हैव परफॉर्म मिनिमम 1 सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट एनी पॉस विद इन 45 डेज टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब यहाँ पे ये कार्ड अगर आपके पास रहता है तो आपको 10,00,000 का एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस कवर मिलता है, लेकिन उसके लिए जब एक्सीडेंट होगा आपका उससे 45 दिन
पहले तक एक सक्सेसफुल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पे रहना चाहिए। तो यही इम्पोर्टेंट है ये यहाँ का कि इंश्योरेंस कितना मिलता है, वो है 10 लाख का। उसका क्राइटेरिया क्या है, 45 डेज पहले आपका एक सक्सेसफुल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है। तो आज के लिए इतना ही तक, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप लोगों का फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।